वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। हमने ऑलरेडी चार टॉपिक का डिस्कशन कर रखा है, लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी को। तो इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग के बारे में, क्या दिया गया है मीनिंग। अ कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। द नेचर ऑफ कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। तो सिंपल क्या बोला गया है कॉरपोरेटिव सोसाइटी की, कॉरपोरेटिव सोसाइटी क्या एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, जो कि बना है, ये बिजनेस को बनाया गया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो बैकवर्ड रीजंस होते हैं उनका जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए। यानी कि इसके अंदर वैसे पर्सन्स आएंगे जो पुअर है, जो लोअर मिडिल क्लास के है या बैकवर्ड रीजंस है, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को चालू किया गया है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चालू किया गया गवर्नमेंट ने। तो इसका एक स्लोगन है, क्या बोला गया है, वो स्लोगन है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी कि ये बिजनेस सभी के लिए और सभी इस बिजनेस के लिए है, तो ये बोला गया स्लोगन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशंस के बारे में, डेफिनेशंस क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट आपको 1912 भी दिख रहा है और कहीं कहीं पे आपको कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 भी दिखेगा, तो दोनों ही आप याद रखोगे। क्या बोला गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से, कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी इज ए सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशंस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर एंड अकॉर्डिंग विद कॉरपोरेटिव प्रिंसिपल्स। तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक रीजंस है, यानी कि जितने भी मेंबर्स है, अगर वो लोग इकोनॉमिक कली स्ट्रांग नहीं है तो उनके इकोनॉमिक को स्ट्रांग करना, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर, जो कि कॉरपोरेटिव प्रिंसिपल से चलना चाहिए, ईच फॉर ऑल फॉर ईच के हिसाब से चलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम फीचर्स के बारे में, क्या क्या दिया गया है फीचर्स। अब फीचर्स में क्या क्या दिया है, पहला दे वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। अब वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ये बिजनेस है, इसके अंदर कोई भी आ सकता है, किसी भी तरह का कोई रोक ठोक नहीं होगा, कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, किसी भी तरह का कास्ट, रिलीजियस, जेंडर, रेस्ट वगैरह, किसी के ऊपर कोई भी रोक ठोक नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक दिया, डेमोक्रेटिक का मतलब देखो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है लोगों के लिए हो रहा है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जो कि आप लोग ने पढ़ा रहेगा। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, अब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब है कि इस बिजनेस का जो मैनेजमेंट होगा, जो भी मीटिंग्स लेगा, जो भी बिजनेस का डिसीजन देगा, रूल्स एंड रेगुलेशन देगा, वो कोई ना कोई एक पर्सन होगा, तो उस पर्सन को लाया कैसे जाए, तो उसके लिए यहाँ पे रूल रखा है वन मेंबर वन वोट, यानी कि वोटिंग राइट्स होंगे सबके पास और एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। जो भी मेंबर इसमें इलेक्ट होगा उस मेंबर के पास जितना भी वोटिंग जाएगा और जितना ज़्यादा वोटिंग जिस मेंबर्स के पास होगा वही पर्सन बिजनेस का मैनेजमेंट देखने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, वही मैंने जो अभी बात किया, मैनेजमेंट यानी कि जो भी पर्सन इलेक्ट होगा अगर वो जीत जाता है इस बिजनेस के अंदर तो वही पूरे बिजनेस को मैनेज करने वाला है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी का देखभाल करेगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, अब इस बिजनेस को चालू करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, यानी कि आपके बिजनेस को, यानी कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी को चालू करना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन द बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस, देखो रजिस्ट्रेशन है तो सेपरेट लीगल स्टेटस आएगा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, यानी कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी अलग है और कॉरपोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स अलग है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी के ऊपर कुछ होता है तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी जाने और मेंबर्स के ऊपर कुछ होता है तो मेंबर्स जाने। ओके क्लियर, तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यानी कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी अलग है, इसका मतलब उसको भी कोई पर्सन माना गया और वो पर्सन है तो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, अपने नाम से बैंक में अकाउंट भी खोल सकता है, ये राइट्स दिए गए। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है
लास्ट टाइम हमने देखा ना लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि शेयर होल्डर जो होंगे कॉरपोरेटिव सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ उतने पैसे तक ही लायबल होंगे जितना भी उन्होंने शेयर परचेस किया है बिजनेस का, यानी कि शेयर परचेस किया जितना भी पैसा दिया वो तो पे करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अगर शेयर परचेस किया लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया अनपेड शेयर से, तो उस अनपेड शेयर्स तक पैसा उसको देना पड़ेगा बिजनेस अगर लॉस में जाता है तो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर। अब इसके अंदर कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मिनिमम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चालू करने के लिए कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं, कोई भी रोक ठोक नहीं है। नेक्स्ट है इक्वल वोटिंग राइट्स। अब जितने भी मेंबर है सबको इक्वल वोटिंग राइट्स दिया गया है, जितने भी मेंबर्स होंगे सभी को इक्वल वोटिंग राइट, वन मेंबर वन वोट का ही स्लोगन रहेगा। ओके नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। तो इस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस देना, बाद में प्रॉफिट कमाना, पहले सर्विस दो बाद में प्रॉफिट कमाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स क्या दिया गया है, पहला मेरिट दिया है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। हमने ऊपर ही बात किया कि जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक होगा, यानी कि फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, वन पर्सन कैन गिव्स वन वोट ओनली, ठीक है। और इसमें जो भी इलेक्ट होगा वही मैनेज करने वाला है पूरे बिजनेस को, जिसको हम क्या बोलेंगे मैनेजिंग कमेटी। नेक्स्ट है ओपन मेंबरशिप। अब ओपन मेंबरशिप का मतलब क्या है कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी बिजनेस का शेयर परचेस कर सकता है, कोई भी ज्वाइंट हो सकता है और कोई भी कभी भी जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई रोक ठोक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर तो बहुत ऑपरेटिंग एक्सपेंस था क्योंकि वहाँ पे तो एक्सपर्ट पर्सन रहते थे, लेकिन इस बिजनेस के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्सपर्ट पर्सन नहीं है। बिजनेस खुद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खुद बोलता है कि मैं जो हूँ रजिस्ट्रेशन तक हूँ, जो कि गवर्नमेंट भी इसको हेल्प करता है। तो गवर्नमेंट हेल्प करने का मतलब है रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाना, छोटा सा अमाउंट लेना रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, स्टैंप ड्यूटी इजीली मिल जाना, इनकम टैक्स में भी छूट मिलना। तो यहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं वो खुद वीकर सेक्शन से होते हैं, तो उनमें जो है इतना एक्सपर्ट पर्सन कहाँ से आएंगे, और एक्सपर्ट पर्सन को रखना मतलब उनकी जो सैलरी है ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे कम पैसे में ही काम करते हैं, जिसको बोला गया लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। हमने ऊपर ही बात किया लिमिटेड लायबिलिटी की, लायबिलिटी के बारे में, तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स कंसेशन में। टैक्स कंसेशन, कंसेशन का मतलब कुछ छूट देना, तो टैक्स में कुछ छूट देना, यानी कि इनकम टैक्स भी कुछ एग्जम्प्ट कर देता है कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करते हो, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चालू करते हो और सोशल डेवलपमेंट करते हो, तो कंट्री के लिए, कंट्री के भलाई के लिए है। जितना ज़्यादा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी उतना ज़्यादा लोगों को रोज़गार, उतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे शेयर्स मिल जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट खुद यहाँ पे टैक्स कंसेशन देता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट है सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। अब सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी का मतलब है जो भी पर्सन इस बिजनेस में हिस्सेदारी परचेस किया है तो उसको जो है उस कैपिटल के हिसाब से 15% डिविडेंड भी दिया जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15% है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है खुद ही वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए पर्सन पैसा देता है और या तो चैरिटी करता है, ठीक है, डोनेशंस वगैरह भी देता है पर्सन्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स के बारे में। क्या दिया गया डीमेरिट्स? अब डीमेरिट्स में है लिमिटेड कैपिटल। अब लिमिटेड कैपिटल का मतलब होता है कि आपने देखा है कि लिमिटेड कैपिटल का मतलब है कि अगर अनलिमिटेड मेंबर्स है तो अनलिमिटेड पैसा आ सकता है, तो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल दिया। लिमिटेड कैपिटल का मतलब है कि आपका अनलिमिटेड पैसा तो आ सकता है, लेकिन जो आपके शेयर्स है वो शेयर्स लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो शेयर्स जो है लिमिटेड है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के, इसीलिए लिमिटेड कैपिटल भी आएंगे। जितने शेयर्स उतना ही बेचोगे ना, मेंबर तो अनलिमिटेड है, कितना भी आप बुला सकते हो मेंबर को, लेकिन शेयर्स क्या है लिमिटेड है, दैट इज नोन एज आपका जो पैसा आएगा वो भी लिमिटेड होगा। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल तो होता नहीं है, अब प्रोफेशनल ना होने के वजह से जो मैनेजमेंट होगा वो भी क्या होगा, इनसफिशिएंट होगा, इनफिशिएंट होगा। ओके तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है बिजनेस में लॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स किसी के पास नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट पर्सन को रखना है तो पैसे भी वैसे ही पे करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखो इस बिजनेस के ऊपर क्या बोला गया है कि लोगों का ट्रस्ट बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे इंटरफेयर करते रहते हैं, जिसके वजह से लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। अब लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन का मतलब इसके पास पैसा नहीं है उतना। अब पैसा नहीं है तो एक्सपांशन कैसे करे, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स जितना है उतने ही पैसे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता। लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड कैपिटल का मतलब ये एक्सपांड नहीं हो पाएगा। और इनिफिशियंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं है कि पैसा कमा सके। ओके, तो इसके लिए बोला गया है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। अब लैक ऑफ मोटिवेशंस का मतलब है कि इस बिजनेस के अंदर सभी लोगों ने शेयर होल्डर से अपने आप को ओनर मानते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आगे आके हार्डवर्क करने की हार्डवर्क करता नहीं है। इस बिजनेस के अंदर सर्विस ओरिएंटेड है, पैसा कमाना है नहीं, तो लोग समझते ही नहीं है, जिसके वजह से कितना भी मोटिवेट करो वो लोग मोटिवेट होने वाले नहीं है बिजनेस के प्रति, जिसको क्या बोला गया लैक ऑफ मोटिवेशंस। ओके, तो यहाँ पे आपका कॉरपोरेटिव सोसाइटी भी ख़त्म होता है। आपने आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस वीडियो के साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में, वो ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।